ओम शांति। आज की तारीख है 27/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आया है क्यों? बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना, ये सेवा कल्प कल्प कौन करता है? बाबा कहते हैं ये बाप ही करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रसम सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। तो बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने आते हैं। बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी और कोई भी हो नहीं सकता। बाप अपने, ध्यान से सुनना, इतनी खुशी होगी कि नाचने को मन करेगा। तो बाबा कहते हैं कि बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ऐसा बाप देखा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। नंबर दो है, चैरिटी बिगेन सेट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्की और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होते हैं, उसमें फिर चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे, वो भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं कि सच तबीठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति।